जंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एंटी क्राइम न्यूज, हर धड़कन पर नजर। पुलिस आयुक्त द्वारा मतदान अधिक से अधिक करने की दिलाई गई शपथ। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 में कानपुर नगर की जनता को जागरूक करने एवं मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कानपुर प्रेस क्लब एवं कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम माल रोड स्थित बीएनडी कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कानपुर पुलिस आयुक्त अखिल कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त हरीश चंद्र, प्रेस क्लब अध्यक्ष सरस वाजपेयी, महामंत्री शैलेश अवस्थी, पूर्व अध्यक्ष अविनीश दीक्षित, पूर्व महामंत्री कुशाग्र पांडे, ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज के प्राचार्य विवेक द्विवेदी, सतीन्द्र वाजपेयी, अखिलाफ अहमद, ज्ञानेंद्र मिश्रा, राहुल वाजपेयी, तनवीर नियाज, इब्ने हसन जैदी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में कॉलेज के सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक व शिक्षिकाएं भी मौजूद रहीं व शपथ ग्रहण की। कानपुर से संवाददाता फैज खान की ये खास रिपोर्ट। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। जो कि प्रेस क्लब कानपुर द्वारा आयोजित की गई है ब्रह्मानंद कॉलेज के इस परिसर में, उस कार्यक्रम पे मंचा सिंह हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस वाजपेयी जी, सेक्रेटरी शैलेश अवस्थी जी, संजीव दीक्षित जी, पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित जी, हमारे एडिशनल सीपी हरीश जी, कुशाग जी, यहाँ पर हमारे अन्य पत्रकार बंधु शहर इस कॉलेज के हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, कॉलेज के हमारे अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं और हमारे नौजवान मतदाता, जो अभी मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लड़के यहाँ पर भी नए लड़के लड़कियाँ जो हैं यहाँ पर हमारे नए वोटर्स भी हैं। मेरा सवाल है कि आपको प्रेस क्लब में मुझे यहाँ पर आपके मध्य में आने का मौका, एक मतदाताओं के मध्य जागरूकता जगाने का जो ये कार्यक्रम प्रेस क्लब ने किया है, मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको समय समय पर कहा तो जाता है परंतु कहीं ना कहीं लोग इसको एक छुट्टी का दिन मानकर इस महत्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं। अभी हमारे प्रधानाचार्य जी और सुधीर जी ने बड़ी बखूबी इसके क्यों मत हम करें इस पर विस्तृत विवरण आपके समक्ष रखा। मैं भी कहूँगा कि लोकतंत्र को समझने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने जो नई जनरेशन, हम लोग कानपुर के लोग हैं, कम से कम 60 डिग्री तक पास होनी चाहिए, मतलब 160 तक थे उनका भी मतदान होना चाहिए। मतदाता मतदान करने के लिए आए, क्योंकि लोकतंत्र में यह सबसे मजबूत हथियार हम लोगों को मिला है कि हम लोग अपनी बात को बिना कुछ कहे, एक केवल निशान लगवा कर अपनी उंगली में अपनी बात रख सकते हैं कि हम कैसा देश चाहते हैं, कैसा विकास चाहते हैं। तो मतदान करना हम सभी के लिए ज़रूरी है और लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पहला हमारा ये काम करता है कि मतदान जरूर करें। मतदान का जागरूकता के लिए अभी तक ये माना जाता था कि केवल जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतदाता
को जागरूक करके उन्हें मतलब मतदान केंद्र तक लाना हम सभी की जिम्मेदारी है। कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसलिए हम लोगों सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सफल बनाए। इसी क्रम में कानपुर कस्टम और पुलिस कमिश्नरेट दोनों लोगों ने मिलकर ये प्रयास किया है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। इसके लिए हर बच्चे को जागरूक किया जाए, हर युवा को जागरूक किया जाए। इसी के क्रम में आज पहला कार्यक्रम जन्मांडी कॉलेज में हो रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं को और टीचरों को शपथ दिलाई जाएगी कि वो मतदान करने के लिए अवश्य पहुँचे, कतई ये बहकावे में ना आए कि ये प्रधानमंत्री करते हैं कि ऐसा मतदान बहिष्कार कराने के, मतदान बहिष्कार कतई न करें, मतदान करने मतदान केंद्र पर जाएँ और अपने भाव को अपने एक संकेत से मतपेटी में मत जो मशीन होती है उसमें कह दें।